अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है ना सुबह का टाइम है, मैं बना ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में पूरी। और मैंने कल चना मेरे पास बना हुआ था तो वो हम उससे खा लेंगे। और आज हस्बैंड ना इंडिया जा रहे हैं तो वो तैयारी भी करनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, पैकिंग वगैरह। और चिक्कू आइसक्रीम जो मैंने जमाई थी उसका भी डिश आउट मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगी आज के, जो कल मैंने जमा के रखी थी तो वो कल पूरी रात रहा है तो वो अब अच्छे से जम गया होगा। तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं फिर, और लंच में आज थोड़ा सा लाइट में कुछ बना लूँगी क्योंकि कल फ्राइडे वाला दिन था तो कल मैंने चिकन बनाया था। कल नहीं, फ्राइडे सैटरडे के दिन, फ्राइडे के दिन, तो कल मैं थोड़ा सा लाइट आज बना लूँगी, थोड़ा सा लाइट खाना, कुछ सब्ज़ी वगैरह। तो फिर वो मैं नाश्ते के बाद बनाऊँगी, उसके बाद हस्बैंड के जाने की तैयारी करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इधर पर मेरी पूरी फ्राई हो रही है, आज ये पहले नाश्ता कर लेते हैं पूरी का, उसके बाद लंच बनाएंगे। और मेरे हस्बैंड जाने वाले, आप लोग दुआ करो कि वो अच्छे से, उनका सफ़र इजी हो जाए और अच्छे से वो इंडिया पहुंच जाए। इंडिया जा रहे हैं मुंबई को ज़रूरी काम से, तो फिर पैकिंग वैकिंग सब करेंगे। देखिए पूरी कितनी, इधर पे मैंने चाय रख दी है बाजू में पकने के लिए मेरे लिए, और इधर पे मैं पूरी फ्राई कर रही हूँ। देखिए पूरी कितनी अच्छी गोल गोल हो रही है, फूल रही है अच्छे से। बहुत अच्छी तरीके से फूल रही है। तो इधर हम कर ले रहे ब्रेकफास्ट, अभी हस्बैंड चले जाएंगे शॉप में, उनको मतलब अबाई के लिए ये ब्रेकफास्ट खाने शेला के जाएंगे शॉप में। तो शेला का क्या फर्क पड़ता है, अबाएगा तो चलो बोल सकते हो चलने कर लेंगे, फिर हस्बैंड जब आएंगे ना लंच के लिए फिर पैकिंग वगैरह करेंगे। अबाएगा भी वो, मैं बोलता हूं बच्चे का तो एक इंच आदमी चला ही लेते हैं। इसको अभी अच्छे से धो लेंगे क्योंकि पालक में है ना, कोई भी हरी सब्ज़ी उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और ये मैंने मेथी, पालक और आलू को कट कर दिया है सब्ज़ी। आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी लाइट सब्ज़ी बना लूँगी क्योंकि हम लोगों ने कल चिकन खाया और गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर पे, मस्कत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा लाइट बना लूँ, तो मैंने पालक, मेथी और आलू तीनों को कट कर लिया। मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी और दाल बना लूँगी, आज हम सिंपल सा खाना खाएँगे। तो इसके लिए मैंने ये धो ले रही हूँ सब्ज़ी, इसको हम दो तीन पानी से धोएंगे अच्छे से। ये दूसरी बार ग्राइंड करके मैंने चिक्कू के आइसक्रीम को जमने के लिए छोड़ दिया था, इसके ऊपर मैंने चिक्कू है ना छोटे छोटे पीसेस काट के डाल दिए तो ये अच्छे से जम गई है। अभी मैं इसको निकाल के इसमें आपको बताऊंगी, तो मैं इसको अभी निकाल लेती हूँ। डब्बा टेढ़ा हुआ ना, इस तरफ जम गई, इस तरफ रह गई है, मैं अभी इसको निकाल लेंगे।
तुम हार्ड हो गई है जम के। इधर बात आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे तरीके से जम के। ये इस तरीके से अच्छे आई ना। ये हमारी चिक्कू आइसक्रीम रेडी है, इतनी अच्छी जमी हुई देखिए। अब इसको हम खाएंगे भी, बाद में बताएंगे कैसी है। इसके अंदर भी मैं जमने के लिए रद्दी ग्लव्स में निकाली थी, आज मैं ये वाला निकाल के बताती हूँ। वाह कितनी अच्छी चिक्कू की आइसक्रीम रेडी हुई देखिए। कुल्फी बचा हुआ मैंने इसमें डाल दी थी, बाकी का मैंने इसमें बना दी थी, तो ये कुल्फी रेडी हो गई। पकड़ो अब दूसरी भी निकाल दूँ, तुम खाएंगे सफ़ा। दो ही निकालो, मैं आपके उसमें से ही खा लेंगे। ये अभी तुम्हारे लिए है, ये मेरा निकाल दो। वाह वे भी देखो कितनी अच्छी निकली है चिक्कू कुल्फी। तो अभी हम लोग यही खाएंगे, चलो लो। जगह वो कपड़ा वपड़ा मत लेना, आराम से तो आएगा ये भी पीछे। ऐसे रखो, अच्छी बनी है ना, मस्त बनी। ऐसे रखो। ये खजूर जो हमने तोड़ के इसको अलग करके रख लिया था ना, ये देखिए प्लास्टिक बैग में इस तरीके से डाल के रखे। ये खजूर सारे हैं ना मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं इंडिया, वो जा रहे हैं तो इसके लिए अभी हम पैकिंग शुरू करेंगे। तो देखिए खजूर ना अभी लाल लाल है ना, एकदम कड़क के कच्ची है, लेकिन ये दो दिन में पक जाएगी। तो इसके लिए अभी ये सब तोड़ के इसमें रखी है और अभी पैकिंग शुरू कर दी है। अभी मेरे हस्बैंड एक होगी ना शायद सब खुल, क्योंकि अभी रात की फ़्लाइट है उनकी, तो अब शाम हो गई है तो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब पैकिंग कर ले रहे हैं, हमारा खाना वगैरह हो गया था दोपहर में, और मैंने जो आइसक्रीम डिश आउट करी थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। आइसक्रीम कितनी अच्छी स्कूप चिक्कू आइसक्रीम निकली थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चिक्कू बहुत पसंद है, और वो आइसक्रीम बनाने बोले थे तो मैंने बना दिया और आइसक्रीम उनको खिला भी दी, तो वो खा लिया आइसक्रीम। बाद में मैंने कुल्फी भी डिश आउट करी थी, बचा हुआ मैंने कुल्फी के सांचे में डाल के रखा था, वो भी जम गई थी बहुत अच्छे तरीके से, वो भी मैंने डिश आउट करी, वो भी हम लोग खाए, बच्चे भी खा लिए, और अभी कर रहे हैं पैकिंग जाने की तैयारी। तो ये खजूर का बैग है ना वो रख दिया है इसमें एक साइड में, और एक साइड में रख ले रहे कपड़े, और इसको दो तीन बैग में अच्छे से बांध दिया हुआ ताकि ये निकले नहीं, इसमें से गिरे नहीं, और कुछ कचरा वगैरह भी इसमें से कुछ बाहर नहीं आए, डंडे डंठल वगैरह कुछ ऐसे, तो इसलिए इसको दो तीन बैग में करके अच्छे से मुंह बांध दिया है उसका, और साइड में रख ले रहे हैं कपड़े वगैरह। फिर उसके ऊपर हम जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए वो रख देंगे। पैकिंग चल रही है, अभी हम निकल गए जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और जो भी मेरे चैनल देखने वाले जो भी देख रहे हैं, बस दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें कि सफ़र अच्छे से कट जाए बस। तो हम एयरपोर्ट की तरफ अभी जा रहे हैं, और एयरपोर्ट का मैं आगे का एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद फिर मैं आगे का आप लोगों को बताऊँगी। खोलो जो गया लाने नीचे नहीं रखो डायरेक्ट ट्रॉली।
रखो उसके ऊपर उठा के। रुक जा भाई, कोरोना में दूसरे लोग को नहीं जाने दे रहे थे ना, फोटो नहीं, फोटो कर दो करो। अरे अरे फेंको मत, सुला उसको। क्या मैं तुमने उठाया? हाँ बस मम्मी और मैं जा रही थी तो मैं ही उठाया सब जगह उसने। इतना वजन बैग थोड़ी था, क्यों नहीं था, बहुत वजन था, सफा लेके आई, बहुत वजन था। बैग की तो हालत खराब हो गई, तुम जर्मनी मैं लेके वैसा फेंक के तो उसका टायर भी टूट गया और वो साइड का वो भी निकल गया। हाँ उन लोग की बात कर रही हूँ, मैं लेके वजन ही था मेरे आने के टाइम पे। एक बार बेड पे से उठा के मैं ट्रॉली पे डालने जा रहा था, नहीं आया मुझे डालने वालों, फिर दूसरी टाइम पहले तो घूम गया जब मैं बैग लेके डाली। सामान उतार रहे इधर देखो, हाथ बताओ बस। सूटके साथ दो उठा के ऊपर नहीं लाइट है। दूसरे का वीडियो नहीं ध्यान रखना। हेलो मेरा उधर बस इतनी चाहिए ना, फिर पक्का तुम्हारे को पीछे से बनाऊंगा, फेस नहीं दिखाना। हटो इधर, बीच में कहाँ आ रहे तुम, ये तो भी दूं। वीडियो बनाना है आपको किधर से? इधर से वो दिखेगा रनवे, लाइट खड़ी हुई मतलब सब ओमान एयर खड़ी है लाइन से। ग्रीन वाली कौन सी है? ये सब तो ओमान एयर है, ग्रीन वाली कौन सी है मालूम नहीं। बस हो गया, बन गया।